न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें आज वो दिन आया है जिसे दरभंगा की जनता अगर पूरे 3 वर्ष के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कार्यकाल की अगर समीक्षा करती है तो उन्हें कई बिंदुओं पर राहत मिली है और खासकर अपनी पैनी निगाहें दरभंगा के हर एक क्षेत्र में हर एक विभागों पर भी रखी। अगर एक एक बात करें तो काफ़ी कठिन होगा लेकिन हम 2-3 बात जो अहम हैं कि आप जब यहाँ आए थे उस समय आपके समक्ष एक चुनौती थी, वो चुनौती थी कि जो सरकार के 7 निश्चय योजना हो उसको घर तक पहुँचाने की। सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम और भी जो योजनाएं हैं उन सभी को हम लोगों ने प्रयास किया कि जो सरकार की भावना है उसके अनुरूप हम लोग धरातल तक पहुँचाएँ और आम जन तक पहुँचाएँ। 7 निश्चय कार्यक्रमों में भी हम लोगों का जो जिला निबंधन और परामर्श केंद्र था उसको उसका निर्माण हुआ, उसमें वो फंक्शनल कराया गया। उसके अलावा हम लोगों के जो ITI थे, महिला ITI था जिला का, उसको भी हम लोगों ने फंक्शनल कराया, कंप्लीट करा करके अन्य अनुमंडलों में ITI का की भूमि चिन्हित किया और वो आज निर्माणाधीन है। ANM स्कूल सभी अनुमंडल में बनना था, उसमें एक अनुमंडल में सदर में कंप्लीट हुआ और बेनीपुर में हमारा कंप्लीट होने के कगार पर है और बिरौल का भी स्वीकृत है, उसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बाकी महिलाओं को जो 35% आरक्षण था वो हम लोगों ने नया पैनल बनाया और जिले में और जितनी भी बहाली हुई उसमें हम लोगों ने इसका अनुपालन किया है, चाहे PDS की हो, चाहे हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की हो या पंचायत तकनीकी सहायक की हो, सभी प्रकार की बहाली में हम लोगों ने उसका ध्यान में रखा। बाकी हर घर शौचालय की जो योजना है उसको भी अभियान चला करके हम लोगों ने कराया और पूरे ज़िले में ये आज लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है, पूरा ज़िला हमारा ODF होने के कगार पर है। हर घर बिजली इसको भी पूरी मुस्तैदी से हम लोगों ने कराया, कई जगह विधि व्यवस्था की समस्या हुई, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में भूवर्जन की समस्या थी, उस सबका हम लोगों ने समाधान किया और आज की तिथि में हर घर बिजली का हम लोगों ने निश्चय जो है इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हर घर नल का जल और पक्की गली नाली जो योजना है ये क्रियान्वित हो रही है विभिन्न वार्डों में, लगभग जिले के हमारे 4,400 वार्ड हैं उनमें से 80% वार्डों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है और उसमें काफ़ी संख्या में वार्डों में पूरा भी हुआ है, इसमें भी और काम करने की आवश्यकता है। बाकी योजनाओं में भी हम लोगों ने प्रयास किया कि जिले के विकास से संबंधित जो बड़ी परियोजनाएँ हैं बहुत दिनों से किसी कारण से रुकी हैं उनका हम लोग समाधान करें। उसमें दरभंगा बाईपास था जिसका निर्माण कार्य रुका हुआ था, उसको हम सभी लोगों ने कोशिश किया और उसका समाधान करते हुए समस्या का उसको कंप्लीट कराया, आज वो फंक्शनल हो गया है जिसकी हमको बड़ी खुशी है। उसके साथ यहाँ दरभंगा दिल्ली मोड़ बस स्टैंड था जो 4 साल से बंद करके पड़ा हुआ था, वो शिफ्ट नहीं हो रहा था, उसमें बहुत सारे तकनीकी कारण थे, उनका सब समाधान करते हुए उसको हम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट कराया, उससे जाम से भी निजात मिली। फिर बाघ मोड़ से लेकर के दिल्ली मोड़ की जो हमारी सड़क थी उसमें बहुत सकरे पुल थे और सड़क भी बड़ी सकरी थी तो उसका स्ट्रेंथनिंग का वाइडनिंग का हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा और हमको बहुत खुशी है कि हमारे समय में वो स्वीकृत भी हुआ, कार्य भी प्रारंभ हुआ और कंप्लीट भी हो गया और वो सड़क आज आम लोगों के उपयोग में है, जाम से भी निजात मिली है। बाकी गंडौल बिरौल सड़क है वो भी उसके निर्माण की गति जो है उसको हम लोगों ने बढ़ाया और उसको समय रहते कंप्लीट कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया। बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं जिनमें और काम करने की आवश्यकता है। इसमें एयरपोर्ट के लिए हम लोगों का प्रयास हुआ कि बहुत जल्दी यहाँ से सेवा शुरू हो, उड़ान सेवा शुरू हो और जो हम लोगों के स्तर पर करना था हम लोगों ने सब कार्रवाई किया और उसके बाद आज की तिथि में उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जून माह में ये फंक्शनल हो जाएगा। इसके साथ एम्स का जो प्रस्ताव था उसको भी हम लोगों ने भेजा है, कुछ आपत्ति है उसका भी समाधान किया जा रहा है, वो भी हम लोग करेंगे। शहरी क्षेत्र में हम लोगों के 7 फ्लाईओवर का हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है जाम से निजात के लिए और वो विचाराधीन है और हम लोगों को उम्मीद है कि वो जरूर सैंक्शन होगा और उससे भी बहुत राहत मिलेगी आम लोगों को। तो ये पूरे अगर हम कहें तो समीक्षा है और इन्होंने हर एक जो मुख्यमंत्री के लगातार कई कार्यक्रम हुए एक चुनौती के रूप में लेकर के उन्होंने उसको संपन्न ही नहीं कराया बल्कि उसकी सफलता के लिए दिन रात लगे रहे। और इसके अलावा जो कहा जाता है कि जिलाधिकारी के रूप में इन्होंने अपने जितने अधिकारी थे, जितने कर्मचारी थे, जहां एक तरफ सहयोग लिया, उन्हें कभी डांटा तो कभी प्यार से उनका मनोबल भी बढ़ाया। किस तरह आपने अपने सहयोगियों के साथ सहयोगी और जो कर्मचारी हमारे हैं वो एक तरह से समाहरणालय के कार्यालय के रीढ़ हैं तो उनका जो वेलफेयर का काम था उसको हम लोगों ने प्रायोरिटी में रखा क्योंकि वो काम करते हैं
और काम अगर उनसे हम लेते हैं तो उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या चिंताएं हैं, उनका भी समाधान होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से जैसे चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में प्रोन्नति का मामला लगभग 20 वर्षों से लंबित था और वो नहीं हो पा रहा था, तो उसमें हमसे सबकर्मी हमारे चतुर्थ वर्गीय मिले, तो उसके तह में हम गए, उसका गहन समीक्षा किया और उसके बाद जो उसमें समस्याएं थी उसका निराकरण करते हुए हम लोगों ने लगभग 2 दर्जन हमारे जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी थे उनका प्रोन्नति दिया, जो तृतीय वर्ग के रूप में अभी भी कार्यरत हैं विभिन्न प्रखंडों में। फिर प्रत्येक माह हम लोग स्थापना संबंधी बैठक करते थे, उसमें अनुकंपा पर नियुक्ति, अगर हमारे किसी कर्मी की मृत्यु हो गई है तो सरकार के प्रावधान के अनुसार उसके आश्रित को नौकरी दिया जाता था, तो वो प्रावधान है उसको हर महीने हम क्लियर करते थे। दूसरा जो उनका ACP MSCP जो वेतन वृद्धि का मामला होता है, इंक्रीमेंट का मामला होता है, उसको भी हम लोगों ने नियमित रूप से किया। कोई हमारा कर्मी सेवानिवृत्त हो जा रहा है तो उसका जो सेवानिवृत्ति का लाभ है वो समय से मिले, तो वो हमने सुनिश्चित किया, प्रयास किया कि वो जरूर हो। कर्मियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने समाहरणालय परिसर में ATM भी स्थापित किया ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े और कार्य करते हुए अपना जब जरूरत हो अपना ले सकें। तो हमारे जो कर्मी हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मोटिवेटेड रहे, एक टीम भावना के रूप में काम हुआ और जो भी काम होता है वो शुरुआत वहीं से होती है, उन्हीं के कंधों पर सब दायित्व रहता है, तो उनके वेलफेयर को भी हमने ध्यान में रखा। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जिलाधिकारी के रूप में इनका योगदान बेहतर है, चाहे स्थापना दिवस हो चाहे कई कार्यक्रम हुए हैं, जो सरकारी कार्यक्रम हुए उन्होंने एक एक चीज़ पर नज़र रखा और ख़ासकर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जबकि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी आए थे, तो सारे कार्यक्रम को आपने जो जिम्मेवारी ली थी उस कार्यक्रम को आपने सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दरभंगा और विशेषकर हमारा मिथिलांचल जो है वो कला और संस्कृति की भूमि रहा है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो भी कार्यक्रम हो वो उसमें यहाँ की जरूर छाप रहे, और हम लोगों ने मिथिला लोक उत्सव और जिला स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोगों ने मनाया, उसमें हम लोगों ने मिथिला के जो हमारे कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित किया, उनको मंच प्रदान किया, मिथिला की जो कलाएं हैं परंपराएं हैं उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया और उनको प्रोत्साहित किया। और जहाँ तक कला की बात है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ प्रेक्षागृह का एक प्रस्ताव भेजा और वो स्वीकृत भी हुआ है, और आज वो प्रेक्षागृह हमारा जो है वो ऑडिटोरियम वो निर्माणाधीन है और हमको उम्मीद है कि 1 साल के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा, तो हमारे यहाँ के कलाकारों को और लोगों को एक अच्छा मंच उपलब्ध होगा। बता दें मिथिला महोत्सव लगातार जिलाधिकारी से मिलकर कई जगह हम लोगों ने कार्य किया और कई ऐसे बिंदुओं पर हमने ध्यान आकृष्ट कराया जिनसे कम से कम सैकड़ों बच्चों की जो एक इच्छा थी कि वो 20 वर्षों से 25 वर्षों से पेड़ के नीचे पड़ रहे थे, मिथिला महोत्सव जब वहाँ पहुँची उघड़ा पंचायत में तो बच्चों ने कहा और जिलाधिकारी तत्काल हमारे उस पर जो हमारे आग्रह थे उस पर बच्चों को बगल में बड़े भवन को उसमें शिफ्ट किया, जो आज भी बच्चे खुश हैं। कब ये मिथिला मंच न्यूज़ के प्रति हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने क्षेत्र में जा करके और जो बच्चे थे उनकी समस्याओं को देखा और उसको हम लोगों तक पहुंचाया जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, और उसको संज्ञान में आते ही उसको हम लोगों ने जो नवनिर्मित भवन था किसी कारण से उसमें नहीं पढ़ाई लिखाई हो रही थी, उसे पड़ा हुआ था बन करके तैयार होकर के उसको हम लोगों ने फंक्शनल कराया और उसमें बच्चों को विद्यालय को शिफ्ट कराया। तो इसके प्रति इस मामले को उठाने के लिए हम मिथिला मंच को बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। यही नहीं, हम बता दें कि मिथिला मंच न्यूज़ ने कई जगह जब ये पाया कि जो जल नल योजना में भी कई खामियां हैं और हमने जिलाधिकारी को भी बताया और इन्होंने खुद संज्ञान लिया और ख़ासकर इस संबंध में कई अधिकारियों पर भी इन्होंने कार्रवाई की और न्याय दिलाया जो इनके जनपद, तो अगर मिला के समीक्षा की जाए तो न सिर्फ इन्होंने सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य किया बल्कि उन हर एक पीड़ित लोग जो यहाँ आते थे उनकी समस्या के लिए तुरंत कार्रवाई के लिए अधिकारियों को भी भेज देते थे, अपने कई एक्शन भी लिया था। इसमें हम लोगों का प्रयास ये था कि सुधारात्मक प्रयास था कि मौका दिया जाए और जो त्रुटियां हैं उसका सुधार किया जाए, लेकिन मौका देने के बाद भी अगर सुधार नहीं हो रहा है तो उसमें फिर कार्रवाई जरूरी हो जाता है, तो उस दृष्टिकोण से कई पदाधिकारियों पर कई कर्मियों पर हम लोगों ने कार्रवाई किया है, उसमें प्राथमिकी भी दर्ज हुई है और उसमें विभागीय कार्रवाई भी हुई है, तो वो प्रयास उद्देश्य अंतिम वही है कि उसका सुधार हो। और खासकर बता दें दरभंगा की तमाम जनता को जो उन्होंने धन्यवाद दे रहे हैं इनको, इसलिए कि मिथिला मंच न्यूज़ DMCH में लगातार कार्य करती रही 3 भर गरीब मरीजों के लिए, और जब हम लगातार खबर बनाते रहे तो अचानक इन्होंने औचक निरीक्षण किया, जो डॉक्टर नहीं आए थे करीब 50 से भी ज़्यादा डॉक्टर के इन्होंने हाजिरी काट देने के बाद अब डॉक्टर समय पर आना प्रारंभ कर दिए और खासकर मरीजों का इलाज अपने किया। DMCH हम लोगों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और दरभंगा की शान है, एक तरह से पूरा उत्तर बिहार लगभग उस पर डिपेंडेंट है
अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि वो पूरी तरह से तैयार रहे, रेडी हालत में रहे, और जो अपेक्षा है लोगों की उस पर वो सब खरा उतरे, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने बीच बीच में उसका निरीक्षण हम लोग करते रहते हैं, कई बार औचक, कई बार शेड्यूल निरीक्षण, और वहाँ की जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान करने का प्रयास करते हैं। और दरभंगा की जनता को यह आश्वासन देते हुए जा रहे हैं कि इन्होंने एयरपोर्ट जो कि पूर्णिया को पहले किया गया था, लेकिन पूर्णिया से ज़्यादा काम दरभंगा एयरपोर्ट के लिए हुआ, और यह गौरव का विषय है कि अगर जमीन अधिग्रहण से लेकर के जो भी कार्य अगर प्रारंभ नहीं होता तो ये पूर्णिया से पीछे रह जाता। और एम्स को लेकर के इन्होंने जो पहल की है अधीक्षक से मिलकर, जो जमीन अधिक जो अभी थी, कितने अधिग्रहण और किस 200 एकड़ जमीन की? हाँ, वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की जो जमीन थी तो सरकार के निर्देशानुसार उसमें से 200 एकड़ जमीन हम लोगों ने एम्स को दिया है, और उसका ब्यौरा तैयार करके उसका प्रतिवेदन हम लोगों ने भेजा। उसमें रात दिन सभी हमारे कर्मी मेहनत किए कि जितना जल्दी हो यहाँ से हम लोग भेज दें, ताकि यहाँ की वजह से उसमें कोई विलंब नहीं हो। तो उसमें एक टीम आई थी, उसने निरीक्षण किया है, तो कुछ कुछ उसमें आपत्ति है, जैसे कि बीच से एक पब्लिक रोड निकलता है, एक रेलवे लाइन है, तो उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक रोड जो है वो तो बंद नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एक लंबा फ्लाई ओवर बनाया जा सकता है, एलिवेटेड रोड बनाई जा सकती है, जिन लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना हो वो ऊपर से निकल जाएंगे लहरियासराय टावर से लेकर के और आगे तक दोनार तक, और जिन लोगों को हॉस्पिटल जाना होगा वो अपना नीचे रोड से जाएंगे, तो वो हॉस्पिटल की रोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो रेलवे लाइन है तो वहाँ भी वो रेलवे ओवर ब्रिज या फुट ओवर ब्रिज ये बनाया जा सकता है, और उस तरह की बिल्डिंग उधर रखी जा सकती है कि इधर आम मरीजों को बहुत आने जाने की आवश्यकता नहीं हो, आवासीय हम लोग रख सकते हैं कि डॉक्टर और लोग भी आना जाना अपना कर सकें। तो इस तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आपत्ति है उसका निराकरण किया जाए और यहाँ एम्स जरूर बने। तो तमाम दरभंगा की जनता याद रखेगी जिलाधिकारी के रूप में डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को, क्योंकि अगर यहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ होती है तो इसमें प्रमुख देन और कार्य डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के नाम होगा। यही नहीं, अगर एम्स जो कि महत्वपूर्ण है, दरभंगा के हजारों आस किलोमीटर की दूरी की लोग तय करके एम्स के लिए अगर दरभंगा आते हैं तो ये भी एक उपलब्धि जिलाधिकारी के रूप में ही गिना जाएगा। अंत में आप जाते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं दरभंगा की जनता को? बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे दरभंगा वासियों के प्रति, दरभंगा की सम्मानित जनता के प्रति, बहुत ही स्नेह और बहुत ही सम्मान हमको यहाँ प्राप्त हुआ, और बहुत ही अच्छी यादें लेकर के यहाँ से हम जा रहे हैं। और जब भी कभी दरभंगा की बात आएगी, दरभंगा का नाम आएगा, तो मुझे बहुत गर्व होगा कि मैं यहाँ से जुड़ा रहा हूँ और दरभंगा में मैं रहा हूँ, काम किया हूँ, और कभी भी जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर दरभंगा आऊँगा और लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक जिलाधिकारी के रूप में इन्होंने सिर्फ अधिकारी बनकर ही नहीं बल्कि आम जनता के दिलों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कार्य कई हैं, आप लोगों ने विश्लेषण भी किया है, जब भी चाहा जिलाधिकारी से आपने मिलकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। मीडियाकर्मी जब भी बात करना चाहे बात कर, हमें याद है उस समय जब जनता फ़ोन करती थी कि सुबह में स्कूल बंद है, ठंड की वजह बंद है या नहीं, तो हमने तत्काल पूछकर जनता को बताया करता। तो ये एक ऐसे जिलाधिकारी हैं जो अपने मृदु स्वभाव, शांत स्वभाव, गंभीरता से इन्होंने दरभंगा के 3 वर्ष का कार्यकाल सही तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न किया। तमाम दरभंगा वासियों की तरफ से भी हम इनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। धन्यवाद।